वेलकम, साइंस की कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे क्लास 8 का चैप्टर 4 धातु ए धातु, और इसका पार्ट 5 है। तो पिछले भाग में हम पढ़ रहे थे रासायनिक गुणधर्म, जो धातु ए धातु के क्या थे, रासायनिक गुणधर्म या अभिक्रिया या अभिक्रियाएं। तो हमने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया पढ़ ली थी, और पिछले भाग में हमने अधातु अधातु की जल के साथ अभिक्रिया पढ़ ली। अब है 3 नंबर टॉपिक जो हमारा, वो है अम्लों के साथ अभिक्रिया। क्या है अम्लों के साथ? अम्लों के साथ धातु एंड एवं अधातु की अभिक्रिया। हम देखेंगे धातु अधातु की, तो इसको दो डिवाइड में, दो भागों में बांट लेते हैं। एक धातु के साथ अम्लों की अभिक्रिया, अधातु के साथ अम्लों की, ये हमने देखा। इससे पहले अधातु धातु के अम्लों से अभिक्रिया करने के लिए अम्ल क्या होते हैं ये जाना, जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल होते हैं। 2-3 अम्ल का उदाहरण देखना है, जैसे कि हाइड्रोक्सल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, इसे HCl से लिख सकते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे लिखते हैं H2SO4। ये दो उदाहरण जो आपके अम्ल, अम्ल कुछ नहीं करते हैं, क्या देते हैं, H देते हैं, H। और अब देखते हैं, इतनी चीज हमने सामान्यतः जानी है जो हमारे सिलेबस में नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र HCl और सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4, जो अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब बात आती है धातु की, सीधी अभिक्रिया लिखते हैं हम जनरली। धातु है तो इसकी क्रिया करते हैं अम्ल से, धातु अम्ल के साथ क्रिया करते हैं और बनाते हैं लवण। लवण बनाते हैं तथा एक गैस निकालते हैं, वो है हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। तीर का निशान का अर्थ है गैस है ये। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। सभी धातु हैं जो लवण अम्ल से अभिक्रिया नहीं कर पाते, कुछ ही धातु है अम्ल से अभिक्रिया कर पाते हैं। तो ये बात है अधातु की अम्ल से अभिक्रिया। अधातु अम्ल से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, और जैसे ही जो प्रक्रिया में जिसमें अभिक्रिया कराते हैं उसके पास क्या है, जलती हुई मोमबत्ती लाते हैं। जलती हुई क्या लाते हैं? मोमबत्ती लाते हैं। अब ये मोमबत्ती इसके पास लाते हैं, तो जो प्रक्रिया के पास लाते हैं तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न सुनाई देती है। पॉप की ध्वनि सुनाई देती है, जो पहचान होती है हमारी हाइड्रोजन गैस की। जो गैस निकल रही है वो कोई और नहीं है, वो हाइड्रोजन गैस है। प्रक्रिया के पास जलती हुई मोमबत्ती या माचिस की तीली लाते हैं तो पॉप की ध्वनि सुनाई देती है, जो यह बताती है कि प्रक्रिया से निकलने वाली गैस हाइड्रोजन गैस है। क्या है? प्रक्रिया से जो गैस निकलती है, हाइड्रोजन निकलती गैस निकलती है। अब बात आती है कॉपर है, जो कॉपर Cu कॉपर है, वह तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। क्या नहीं करता? कॉपर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ यानी HCl के साथ क्या नहीं करता? अभिक्रिया नहीं। लेकिन किसके साथ अभिक्रिया करता? लेकिन सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ
विक्रिया करता है। ये बात है, चाहे सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ तो विक्रिया करता है, ये अलग अलग धातु अलग अलग अम्लों के साथ अलग अलग तरीके से विक्रिया करता है। तो सामान्यतः हमें कुछ याद नहीं रखना, धातु अम्ल से विक्रिया करेंगे लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। ये थी धातु अम्लों से विक्रिया लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। जैसे ही प्रक्रिया जिस प्रक्रिया में विक्रिया हो रही है उसके पास जलती हुई मोमबत्ती या माचिस की तीली ले जाते हैं तो पोप की ध्वनि सुनाई जाती है जो यह बताती है कि प्रक्रिया से निकलने वाली गैस जो है वो क्या है, हाइड्रोजन ही है। अब ये कॉपर है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन नहीं करता, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करता है। ये अलग अलग धातु की अलग अलग पहचान होती है। अब बात आती है हमारी अधातु की विक्रिया, अधातु अम्लों से विक्रिया करते हैं नहीं करते। अधातु अम्लों से विक्रिया नहीं करते। अधातु है वो क्या होते हैं, हैं वो अम्लों से क्या नहीं करते, अम्लों से विक्रिया नहीं करते, क्या विक्रिया नहीं करते। अधातु अम्लों से, अधातु अम्लों के साथ विक्रिया नहीं करते। ऐसे ऐसे अम्ल ऐसे अधातु, तो अधातु अम्लों से विक्रिया नहीं करते, सॉरी नहीं करते। तो ये बात थी, धातु करते हैं लेकिन अधातु नहीं करते। तो अधातु में इतना ही है टॉपिक है कि अधातु अम्लों से विक्रिया नहीं करते, ये बात है। अब अगला जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा क्षार के साथ विक्रिया। चार नंबर टॉपिक होगा क्षारों के साथ अभिक्रिया। अगला टॉपिक है क्षारों के साथ अभिक्रिया, धातु और अधातु की क्षारों के साथ अभिक्रिया का अध्ययन कर रहे थे, तो क्षारों के साथ अभिक्रिया का अध्ययन भी इसी प्रकार का है। देखो क्षारों के साथ अभिक्रिया, चार नंबर टॉपिक क्षारों के साथ, क्षारों के साथ धातु और धातु की अभिक्रिया, क्षारों के साथ धातु या धातु की अभिक्रिया। तो इसमें कुछ भी नहीं है, धातु धातु की सामान्यतः अभिक्रिया करेंगे हम, धातु लिया हमने प्लस क्षार अभिक्रिया करा दी। धातु क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, एक लवण और दूसरा हाइड्रोजन गैस। सिंबल जो ये सिंबल है वो गैस के लिए, गैस निकल रही है प्रक्रिया। तो धातु क्षार के साथ विक्रिया करके क्या बनेंगे, लवण और हाइड्रोजन गैस। अब प्रक्रिया में हमने धातु है धातु को मिश्रण किया, लवण बन गया और गैस निकलने लगी हाइड्रोजन। तो इसके पास लेते हैं जलती हुई मोमबत्ती, हुई मोमबत्ती मोमबत्ती। तो क्या होता है, जलती हुई मोमबत्ती या माचिस की तीली लाते हैं तो क्या होता है, हमें पोप की ध्वनि सुनाई देती है, पोप पोप। और इस पोप की ध्वनि के कारण हमें पता चलता है कि जो प्रक्रिया से जो गैस निकल रही है वो क्या है, हाइड्रोजन गैस, H2O गैस। ये है, ये क्षारों के साथ विक्रिया देख ली हमने, पोप की ध्वनि है निकलेगी। अब कुछ नहीं देखना हमें। अब जो अगला पार्ट है अधातु के साथ विक्रिया, अधातु की, अधातु की क्षारों के साथ विक्रिया काफ़ी जटिल और मुश्किल है, जटिल यानी कठिन है, जटिल विक्रिया है जिसका अध्ययन हम उच्च कक्षा में करेंगे, जटिल विक्रियाएँ जिसका अध्ययन हम उच्च कक्षा में करेंगे। तो इसमें क्या है, धातु क्षार से क्रिया करेंगे लवण हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, इस हाइड्रोजन गैस
की पहचान कैसे होगी? एक जलती हुई मोमबत्ती लाते हैं और ऐ धातु क्षारों के साथ अभिक्रिया नहीं करते और पॉप की दुमनित। अब ये कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऐसा क्वेश्चन सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में, के सॉल्यूशन में, विलयन में एल्यूमिनियम, 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 एल्यूमिनियम डालने पर एल्यूमिनियम का कोई टुकड़ा डाल दे, एल्यूमिनियम का टुकड़ा डालने पर एक गैस, गैस निकलती है, वह गैस कौन सी है? वह गैस कौन सी है? कौन सी है? पहचान, पहचान करें। तो कुछ नहीं करना, ऐसी गैस होगी तो वह गैस जो सोडियम और एल्यूमी के विलयन में एल्यूमिनियम का टुकड़ा डालते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या एक प्रकार का क्षार है, मतलब क्षार एल्यूमिनियम है धातु, क्षार के धातु से विक्रिया होगी तो जो गैस निकलेगी वो हाइड्रोजन होगी, मतलब निकलने वाली जो गैस है वो क्या हाइड्रोजन है, और इसकी पहचान किस प्रकार करेंगे? प्रकनली के पास, के पास क्या ले जाते हैं? जलती हुई, जलती हुई हम क्या ले जाते हैं? मोमबत्ती, मोमबत्ती ले जाते हैं, जिससे क्या है वहाँ पर हमें प्रकृति से पॉप की ध्वनि सुनाई देती है, जिससे हम पहचान कर सकते हैं कि जो निकलने वाली गैस है वो क्या हाइड्रोजन है। इस प्रकार कुछ क्वेश्चन नहीं आएंगे, धातु चाहे अमल से क्रिया करे चाहे छाछ से क्रिया करेंगे, मनाएंगे लवण और हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस की पहचान होगी वो होगी हमारी किससे? पॉप की ध्वनि से, जब हम उसके पास जलती हुई मोमबत्ती ले जाएंगे। और आप इसी के साथ अपनी बुक एनसीईआरटी को फॉलो करें, उसका भी अध्ययन करें, जिससे यह टॉपिक पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।